नमस्कार दर्शकों, मैं प्रीति सिंगल के नाइन मीडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के निधन पर शोक प्रकट करते हुए श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को बुलंदियों तक पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनके द्वारा पार्टी को दिए गए योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कश्मीर में पत्थरबाजों द्वारा भारतीय सैनिक की हत्या करने जैसा घिनौनी हरकत की निंदा करते हुए कहा है कि ऐसी घिनौनी हरकत के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। हम उनके मंसूबों को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। बेमौसमी बारिश होने से किसानों की फसल खराब हुई है। फसलों के नुकसान की भरपाई जल्द ही की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री श्री मदन लाल जी खुराना का आज देहावसान हो गया है। हमारे बीच से एक बहुत ही सुलझे हुए एक अच्छे नेता उत्तर भारत में, जिन्होंने पार्टी को खड़ा करने के लिए बहुत मेहनत की और आज पार्टी को इस लेवल तक पहुंचाने में उनका अपना योगदान रहा है। उनको बीच में छोड़ के गए हैं, उनके जाने से बहुत दुख हुआ है और मैं इस अवसर पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवार के लोगों को भगवान से प्रार्थना है कि इस असह्य क्षति को सहन करने के शक्ति। सर, कश्मीर में एक को जो है शहीद, उसको पत्थर से मारा गया जवान को कश्मीर में सेना की टुकड़ी को हमला किया। एक जवान के सिर में पत्थर लगा, उससे बहुत ज्यादा उसकी मौत हो गई, हॉस्पिटल में उसको शहीद हो गया। देखिए, इस प्रकार के घिनौने काम जो भी देश की एकता अखंडता को तोड़ने के लिए ऐसे जो करते हैं, इनकी मैं निंदा करता हूँ और निश्चित रूप से इनके पीछे जो दिमाग है वो पाकिस्तान के लोगों का है। तो पाकिस्तान को, हमारे देश के लोग एक प्रकार से इन प्रकार की हरकतों के लिए कभी सहन करने वाले नहीं हैं और हम जो है उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे और कम से कम उस शहीद को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जिसकी इस प्रकार की घटना में मृत्यु हुई। एक रामविलास पासवान का आपने लेटर लिखा है ध्यान के बारे में, अभी जो अचानक बेमौसमी वर्षा हुई है उसके कारण से धान का बहुत नुकसान हुआ है। धान का जो बीज है, धान की जो फसल है, उसके नुकसान के कारण से कुछ पैरामीटर्स हमने FCI की जो परचेज है उसमें ढील दी जाए। उन पैरामीटर्स के ढील देने के बाद किसानों का जो सारा धान है वो खरीदा जाए, इस प्रकार का मैंने पत्र लिखा। मैं विश्वास करता हूँ कि FCI के माध्यम से खरीदे जाने वाला धान है उसमें ये छूट दी जाएगी ताकि किसानों को उसका लाभ। K9 मीडिया अब आपके लिए लेके आया है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विद फुली वायरलेस सिस्टम, जिसके द्वारा आप अपने किसी भी प्रोग्राम को लाइव कर सकते हैं, जैसे कि राजनीतिक रैली, जलसा, जागरण और स्पोर्ट्स इवेंट।